सब्सिडी का मकसद गरीब लोगों की मदद होता है, लेकिन पाकिस्तान में सब्सिडी वो लोग ले रहे हैं जो पहले से बहुत ताकतवर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेमिनार से खिताब, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग की पेशगोई कर दी, कहा कि माजी में बरवक्त फैसले ना होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, पनबिजली की पैदावार बढ़ाने का किसी ने नहीं सोचा। इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियाँ में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और जो हम अब ज़्यादातर इम्पोर्टेड गैस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, उसमें और डोमेस्टिक गैस में वो इतना बड़ा अब गल्फ है कि हम अगर गैस जिस कीमत के ऊपर बेचते हैं लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते गैस इम्पोर्ट करके और इस कीमत पर बेचें। और वो अभी से सर्कुलर डेट बननी शुरू हो गई है गैस सेक्टर के ऊपर, जो कभी पहले नहीं थी। जो हमारा सर्कुलर डेट बिजली में भी क्यों है, क्योंकि जो हमने जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और जिस प्राइस के ऊपर हम बिजली बेच रहे हैं, ऑन एन एवरेज 17 रुपए यूनिट के ऊपर हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और 14 रुपए यूनिट के ऊपर हम बिजली बेच रहे हैं। जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने बांटे हैं सूबों के अंदर, अगर उसी वही कम होता जाए, क्योंकि हमने सब्सिडीज की वजह से वो उसका अमाउंट ही कम होता जाए, तो इवेंचुअली तो सारा मुल्क सफर करेगा।